नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ किसान आंदोलन के बारे में। जो किसान बिल आए हैं, 3 बिल आए हैं किसानों के ऊपर, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो क्या है, उसमें क्या मसला चल रहा है, किसान क्यों सड़कों पे उतर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन की। 50 लोग जो है वो पक्ष में बोलते हैं, 50 विपक्ष में बोलते हैं। कुछ कहते हैं कि जो है किसान गलत है, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई बिल ही गलत है, जो सरकार ने बिल लाया बिल ही गलत है। किसान क्या चाहता है, उसकी क्या शंकाएं हैं, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। पेपर पे क्या लिखा है, बिल में क्या लिखा है, उस पर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन डिबेट्स में लोग आ रहे हैं, ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं। भाई उनकी TRP का मसला है, अपन लोग का है, उनके बीच में बोलेंगे, लेकिन हमें बात करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए हमेशा मेरे परिवार से पहले मेरा वतन था, है और रहेगा। और ये वीडियो वही लोग देखें जो एक्चुअली जानना चाहते हैं कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, बिल में क्या लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 3 बिल आए हैं इस साल, जो 3 बिल आए हैं उसमें उनके उसके बारे में बात करते हैं। बिल में क्या लिखा है उसके बारे में बात करेंगे, इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, जो मैं रिसर्च कर पाया हूँ, पढ़ पाया हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। आंकड़े, कुछ आंकड़े ये कहते हैं कि भारत की जनसंख्या, जो हमारी जनसंख्या के हिसाब से 75% जो है किसान है, और कुछ आंकड़े कहते हैं कि 67.8% जो है किसान है। अगर हम मोटा मोटा भी मान लेते हैं तो 60% हम लेके चलते हैं। तो 60% के हिसाब से, जो 130 करोड़ की जनसंख्या के हिसाब से 78 करोड़ जो है किसान है, अगर हम मोटा मोटा 60% लेके चलते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप चाहे जितने भी बड़े अमीर आदमी क्यों ना हो, बड़े आदमी क्यों ना हो, लेकिन खाने में तो खाना ही खाएंगे ना, अनाज ही खाएंगे जो किसानों का आता है। अभी आप गुच्ची का बैग होगा आपके पास, रेबान की गॉगल होगी, नाइकी का जूता होगा, खाने में तो राशन ही खाओगे ना भाई, या नाइकी का जूता खाओगे, खाना तो राशन ही है। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं, पहला बिल जो है द इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020, ये एक्ट नंबर 100 ऑफ 1955 का है। ये एक्ट 1955 का है, ये समझना पड़ेगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि डिबेट्स में कि ये बिल जो असंवैधानिक है, लेकिन थोड़ा उनको और रिसर्च करने की ज़रूरत है। हाँ, सरकार से कुछ गलतियाँ हुई हैं जो किसानों के हिसाब से, जिनमें जो मतभेद हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये एक्ट बना क्यों था। ये एक्ट बना था ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ बनाया गया था, जिसमें लिखा गया था कि किसी भी प्रकार का एक्सेस, मतलब रोज़मर्रा में ज़रूरी खाने पीने की वस्तुएं का जो है लिमिट से ज़्यादा एक्सेस, जो लिमिट से ज़्यादा भंडारण कोई नहीं कर सकता, अगर कोई करता है तो इस एक्ट के अंतर्गत संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार और यूनियन के पास एक ऐसा अधिकार होता है कि युद्ध के समय या पेंडेमिक महामारी के समय उनमें किसी भी चीज़ को जोड़ा या घटाया जा सकता है कि उस लिस्ट में। अब आपको बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है, कि 14 मार्च 2020 को कोरोना की महामारी हुई थी, इस एक्ट के अंतर्गत भारत सरकार ने फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को इस लिस्ट में जोड़ा था, और इसकी एक MRP जो एक इसका एक जो रेट है वो निर्धारित किया गया था कि इससे इस रेट से ऊपर कोई बेचेगा तो वो कालाबाजारी में आएगा। तो 1 जून 2020 को फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर, इन दोनों चीज़ों को सरकार ने इस लिस्ट से दोबारा बाहर कर दिया था। 5 जून 2020 को द एसेंशियल कम्युनिटीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 लाया गया, और 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में पास किए, और 22 सितंबर 2020 को राज्यसभा में पास किया गया। अब किसानों की इस पे क्या शंकाएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो बड़े बड़े होलसेलर हैं, कॉरपोरेट कंपनीज हैं, या बड़े बिजनेसमैन इस बिज़नेस में उतरेंगी, अभी लिमिटलेस स्टॉक है, कालाबाजारी होगी, तो उसमें रेट जो हो अपने दम पे फ्लैक्चुएट कर सकते हैं। तो किसानों का मानना है कि वो रेट फ्लैक्चुएट करेंगे तो इससे किसान इस फ्लक्चुएट कर सकते हैं, तो इससे किसानों का नुकसान होगा, क्योंकि वो भी लिमिटलेस स्टॉक है, स्टॉक तो जितना मर्जी कर सकते हैं। दूसरा, किसानों का शंकाएं ये है कि वो जैसे हिसाब से, डाटा के हिसाब से भारत में 80 से 85% छोटा किसान है, जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, और 10 से 12% किसान जो है वो ज़मींदार है, या बड़ा कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं, बिजनेसमैन है। तो किसानों का ये मानना है कि हमारी उनसे बराबरी क्यों की जा रही है, कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है।
तो इससे फ़ायदा तो ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेट कंपनी, उनको होगा, तो किसानों को तो फ़ायदा हो नहीं रहा है इससे। तो इसमें किसानों को उनसे कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है? अब सरकार का इस पे क्या सुझाव है, क्या उस पे क्लैरिफिकेशन दे रही है, उसकी उसकी बात करते हैं। सरकार कहते हैं कि जैसे हम रिस्ट्रिक्शंस हटाएंगे इसके ऊपर से, जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आएगी, जिससे किसान किसान को फ़ायदा होगा और किसान को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ब्लैक मार्केटिंग पे नकेल कसी जा सकती है। और सरकार कह रही है अगर ये कंपनीज कालाबाजारी करती है या कुछ ऐसा काम करती है, तो हमारे सरकार के पास या जो यूनियन के पास राइट्स हैं उन पे एक्शन ले सकती है, इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अब इसमें सुझाव क्या है मेरे हिसाब से, कि सरकार को एक जो है गाइडलाइन, एक MOU कंपनी के साथ करना चाहिए। इसमें ये क्लियरली मेंशन किया जाना चाहिए कि अगर कोई भी कंपनी किसान के साथ कुछ गलत करता है या रेट इतने हाई कर देता है कि रोज़मर्रा की चीज़ें लेने में लोगों को दिक्कत होने लगे, तो उनके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। भाई पैसा कमाने आ रहे हैं, पैसा कमाने आ रहे हैं ना भाई, तो उतना तो इनको इसमें करना पड़ेगा। तो आइए भाई MOU साइन करवाइए। अब बात करते हैं दूसरे एक्ट की। जो दूसरा एक्ट आया है, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फ्लक्चुएशन बिल 2020, बिल नंबर 113 ऑफ 2020। ये जो है बिल नंबर 113 है, इसमें क्या है कि किसान अपनी मर्जी से स्टेट के बाहर किसी के साथ भी अपना कांटेक्ट कर सकती है, अपना सामान बेच सकती है। सरकार जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकती है, सरकार ने इसमें जो ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकती है, जो भी किसान से माल खरीदेगा उसे 3 वर्किंग डेज़ के अंदर किसान को उसका पेमेंट करना पड़ेगा। ये बिल में क्लियरली मेंशन किया गया है। और स्टेट गवर्नमेंट ना ही किसान से और ना ही व्यापारियों से या ना ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उनसे किसी भी तरह कोई ना है तो टैक्स ले सकती है, ना फीस चार्ज कर सकती है। ये भी इस बिल में मेंशन है। अभी बात करते हैं APMC की, मंडियां जो होती हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। सन 1886 में पहली बार कच्चा कपास जो है, जिसको हम रॉ कॉटन बोलते हैं, उसके लिए लाया गया था, एक प्रोग्राम के तहत लाया गया था इसको, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट प्रोग्राम के तहत लाया था। बाद में इसको अपन कह सकते हैं कि मंडियों में जो मार्केट कमेटी बनाई गई थी, उस समय फर्स्ट रेगुलेटेड मार्केट जो हैदराबाद के करंजा शहर से फर्स्ट कंसाइनमेंट जो है बुक किया गया था भारत से यूनाइटेड किंगडम के मंचिस्टा शहर के लिए। तो ये इतना पुराना है। अब इसमें किसान की शंकाएं क्या हैं? पहला तो किसान ये कह रहा है कि इसमें MSP जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो ख़त्म हो जाएगा। जो मंडी वाला सिस्टम है, सरकारी मंडी में जाके वाला सिस्टम, वो ख़त्म हो जाएगा, सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। जो मिडल मैन है, बिचौली हैं, उनका क्या होगा? वो बेरोज़गार हो जाएंगे। प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनीज अगर आएंगी तो गवर्नमेंट मंडियों का क्या होगा? इसमें ये सिर्फ किसानों का ही नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका भी इसमें बहुत बड़ा वो है, उनका भी इसमें पॉइंट्स हैं। क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसानों से माल खरीदती थी और वो सेंटर को उसका पैसा देती, जो वो पैसा था वो सेंटर को देती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट के पास तो पैसा आएगा नहीं, तो कहाँ से कमाई होगी? MSP नहीं है तो कॉरपोरेट कंपनी जो अपने दम पे जो है रेट फ्लक्चुएट करेगी, किसान को इसका नुकसान है, किसान से कम रेट पे खरीद लेगी और आगे महंगा, ज़्यादा महंगा बेचेगी। अभी सरकार ने इस पे जो पक्ष रखा है, जो क्लेरिफिकेशन दी है, उसकी बात करते हैं। सरकार क्या, प्रधानमंत्री जी ने खुद आगे एक वीडियो एविडेंस दिया, उन्होंने कहा कि MSP ख़त्म नहीं होगा, सरकारी मंडियां भी बंद नहीं होंगी, इसके अलावा किसानों को सरकारी मंडियों के अलावा जो है प्राइवेट मार्केट भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे जो इसे और बड़ा किया जा सकता है। इसमें क्या सुझाव क्या है, वो मेरे हिसाब से जो है किसान जो गवर्नमेंट लेवल पे एक जो किसानों को है सरकार को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, जो सरकार ने नहीं लिया, सिर्फ सीधा बिल ले आई है, तभी सरकार जो बिल ले आई है और सरकार के खिलाफ किसान हो चुके हैं और सड़कों पे आ चुके हैं। सरकारी मंडियों को और बेहतर बनाना पड़ेगा, इसके लिए सरकार को सरकारी मंडियों को बेहतर बनाना पड़ेगा ताकि सरकारी मंडियाँ बंद ना हो पाएँ। अभी ग्राउंड लेवल पे जो डाउट्स हैं किसानों के, उन्हें दूर करना पड़ेगा, डाउट क्लियर करेंगे तो ये आंदोलन यहीं समाप्त हो जाएगा। और सरकार को जो है रिटर्न में एक एश्योरेंस देना पड़ेगा, ताकि एक कुछ गाइडलाइन देनी पड़नी पड़ेंगी और लीगल अथॉरिटीज़ होनी चाहिए इस पर कंट्रोल निगरानी रखने के लिए, ताकि ये मुद्दा समाप्त हो जाए, कोई भी किसानों के साथ गलत करे तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। अभी बात करेंगे तीसरे बिल, जो तीसरा बिल है, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस बिल 2020।
इसमें क्या है कि किसान जो इस बिल के हिसाब से किसान जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है अपनी शर्तों के हिसाब से, जो किसान को शर्तें मंजूर होंगी। अगर शर्तें मंजूर नहीं है तो किसान की मर्ज़ी है, वो नहीं करे। वो फसल बोने से पहले किसान एक एग्रीमेंट कर सकता है, किसान को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी फसल जो है, जो उसका कच्चा माल है, वो कंपनी है जो उससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो खुद आके ले जाएंगे इसमें, कि जिससे जो है किसान का ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बच जाएगा। अभी सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भाई डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। तो इस एक्ट में क्लियरली मेंशन है कि 3 लेवल पे समझौता हो सकता है। एक जो है समझौता समिति, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में, और एप्लीकेट अथॉरिटी के रूप में। तो ये एक्ट में क्लियरली मेंशन है कि 3 लेवल पर डिस्प्यूट को ख़त्म किया जा सकता है। इसमें जो किसान को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि इसका कैसे इस निदान होगा, कैसे इसके हम कार्रवाई होगी, कैसे इसको डिस्प्यूट को ख़त्म करेंगे, वो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा। ये भी इस बिल में दिया हुआ है। शंका जो किसानों की शंकाएं हैं, उनके जो डाउट्स हैं, वो है किसान का पक्ष कमज़ोर हो जाएगा। किसान के हिसाब से वो बड़ी कंपनीज़ हैं और किसान का जो पक्ष है वो कमज़ोर हो जाएगा। किसान जो है कंपनीज़ की टर्म एंड कंडीशन को कैसे समझेगा, क्यों समझेगा, कैसे उस खत करेगा, दूसरा डाउट ये है किसानों का। और जो 2 हेक्टर से कम ज़मीन वाला किसान है, छोटा किसान है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करेगा, कि उसको इतना तो स्टॉक है इतना, ना उसका इतना, ना उसके पास इतनी सामग्री है। छोटा कि 2 हेक्टर से कम ज़मीन में कितना भी उगा पाएगा किसान, ये भी डाउट है उनका। किसान के पास पावर मनी नहीं है भाई, वो डिस्प्यूट होगा तो वो कैसे लड़ेगा इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ। तो सरकार ने इसमें जो क्लेरिफिकेशन दी है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट करना या नहीं करना वो किसान की मर्ज़ी है। अगर किसान नहीं चाहता कॉन्ट्रैक्ट करना तो वो ना करे, वो सरकारी मंडी में या कहीं और अपना सामान बेच सकता है। किसान चाहे जो भी रेट अपनी फसल का बेचे वो उसकी मर्ज़ी होगी। MSP का लिमिट नहीं है, MSP नहीं दिया गया है, तो लिमिट नहीं है, तो अपने हिसाब से बेच सकता है। और तीसरा ये बता रही है सरकार कि 3 दिन में पेमेंट मिलेगा किसान को कंपनी के द्वारा जिससे कॉन्ट्रैक्ट करेगी। एग्रीमेंट के मुताबिक किसान को फसल बेचने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर उसकी जो फसल लेने के लिए वो कंपनी जो है वो खुद आएगी। और जो सरकार अगला पॉइंट बता रही है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्ट ऑफ एग्रीमेंट में लिखा गया होगा कि कैसे उसका समाधान किया जाएगा। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 3 लेवल में इसका निदान होगा। कुछ मेरी फेवरेट लाइन है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि जो ये सूरत है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना हो मगर तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मैंने अपने सब जो रिसर्च किया, जो मैंने वीडियोस में बताया है, मेरे हिसाब से जो मुझे लगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप चाहें इस पर और रिसर्च कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इसमें जो है ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसमें जो है एक किसान, कंपनी और गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, एक लीगल अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, ताकि उन जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी उनको थोड़ा डर होना चाहिए। सरकार को जो है डाउट्स हैं उनको क्लियर करना पड़ेगा, तभी ही ये मुद्दा शांत हो सकता है। मेरे हिसाब से, मैंने अपनी समझ के हिसाब से बताया और पढ़ा, जो रिसर्च किया आपको बता चुका हूँ इसमें। और आपको बता दूंगा बिल के बारे में, किसानों को समझाइए, अपने माता पिता को, जो आसपास में आपके किसानों को बिल के बारे में बताइए, उनको पता लगेगा कि बिल में एक्चुअल में है क्या। कुछ किसानों को तो ये पता भी नहीं है कि बिल में है क्या, लेकिन वो आंदोलन कर रहे हैं। अब मैं ये उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, कह रहा हूँ उनको समझाइए, समझाओगे तो वो समझ पाएंगे। तो कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।